पहले क्यों नहीं बताया कि ये फोन आपके पास था? इसी की तो बात कर रही थी वो आखिर में। मुझे आप पहले इतने परेशान और दुखी थे, मैंने सोचा आप मरियम की तस्वीरें देख के तुम और दुख में आओगे, बस इसीलिए नहीं दिया। तो इन तस्वीरों के अलावा और मेरे पास क्या बचा? इन्हीं को देख लेने दो। बेटा मैंने इसे ऑन करने की कोशिश की थी लेकिन ये नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि चार्ज नहीं है या फिर कोई खराबी होगी। नहीं मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, प्लीज चेक करो इसे। हवा, मरियम ने जो मुझसे आखिरी बात की थी वो इसी फोन के बारे में थी। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या बोलना चाह रही है, बट मैंने क्लियरली सुना था कि वो फोन यही बोल रही थी। एंड आई एम श्योर वो इसी फोन के बारे में बात कर रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या है इस फोन में। आफाक का नंबर। What? अरे हाँ याद आया, तुमने मुझे बताया था कि मरियम ने तुम्हें आफाक का नंबर दिया था। जी, वो चाहती थी कि मैं खुद उससे पूछूं कि वो क्यों बार बार मुझे कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है। इसीलिए मैंने भाभी की डेथ के कुछ रोज बाद आफाक को यहीं बैठ के कॉल करने की कोशिश की, मगर नौफिल आ गया और मेरी बात नहीं खत्म हो सकी। खैर, मैं इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती, ना किसी को यकीन दिलाना चाहती हूँ और ना ही सबूत पेश करना चाहती। तुम्हें मरियम ने बताया तो उसे आफाक का नंबर कहाँ से मिला? रुशना अब असद भाई की बीवी है। मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताना चाहिए कि उनके दरमियान गलतफहमी पैदा हो। असद भाई, वो मरियम भाभी बता रही थी कि आफाक की बहन से उनकी दोस्ती हो गई थी, बस उन्हीं से नंबर मिला था। क्या कोई दूसरा नंबर था? क्योंकि हमारे पास जो नंबर था वो तो मुसलसल बन जा रहा था। मैंने तो भाभी को वही नंबर दिया था जो आप लोगों के पास है, मगर जब वो नंबर नहीं लगा तब उन्होंने उसकी बहन से रब्ता किया। और ये उसी दिन की बात है जब भाभी के साथ हादसा हुआ। इस फोन में कुछ तो ऐसा है जो रुशना के खिलाफ है, तभी तो रुशना ने मरियम से ये फोन छीनने की कोशिश की। जाके चेक करो फोन ऑन हुआ। सर्विस के लिए देना पड़ेगा, ऑन नहीं हो रहा। इसका डेटा तो नहीं उड़ जाएगा? नहीं, मैं अपने दोस्त से करवाऊंगा, कोई चीज़ इधर की उधर नहीं होगी। ठीक है।